तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टिंग हुई है, लेकिन दिक्कत काफ़ी हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कॉइल में आप देख सकते हैं, ज़रा सी शॉर्टिंग यहाँ पर हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सही करने का देखते हैं प्रयास करके, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। इसको स्क्रैच कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि यहाँ से जो वायर है इनको मैं निकालूंगा बाहर। कॉपर में है, थोड़ा सा चांस होता है कि ये सही हो जाए। ठीक है, आराम से बिल्कुल करना है। ये एक वायर टूट कर निकला। ये उसका जोड़ है जो टूटा है। ठीक है, ये दूसरा वायर जहाँ से शॉर्टिंग हुई है वहाँ से ये कमज़ोर हो गया, इसलिए टूट जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ़ करते हैं। दो वायर आपको अभी तक तो ख़राब निकला, हालांकि नीचे और भी ख़राब है। थोड़ा सा इसको देखते हैं। एक पतला सा मैं स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ, क्योंकि ये अपना जो है मीटर का जो है फ्राड है, वायर जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ये तीसरा वायर है। इन सब का दोस्तों पॉलिश जो है कि यहाँ से हट चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है पॉलिश जिनका हटा है उनको दूर दूर कर दिया जाए, तब देखते हैं। बार्निश की वजह से दोस्तों ये हट नहीं पा रहा है वायर अपना, कोशिश करते हैं। अगर यहीं पर दोस्तों ये एल्युमिनियम होता अब तक तो ये काम ख़त्म हो चुका होता, लेकिन जितनी ज़ोर से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ उतनी ज़ोर लगाने पर वो तो अब तक टुकड़े टुकड़े हो चुके होते उसके। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कोशिश किया तो लगभग लगभग ये सभी वायर अलग हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये देखिए, सभी वायर अलग हो चुके हैं। अब जो टुकड़े हैं, जो दो टूटे हुए हैं, उनको थोड़ा सा जोड़ते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। और देखते हैं, इसको अलग करते हैं बिल्कुल। तो अलग करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेप्स लगा रहा हूँ, जैसे कि अपने पास टेप के साथ साथ ये मैं स्लीव का भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये गर्म होने पर जलेगी नहीं, बस उसी पे चिपका रहेगा। ये वायर वाली स्लीव रही, इसको मैं कट करता हूँ। ये रहा, ठीक है। इन सभी को अलग करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो एक मैं नीचे लगा देता हूँ, सबसे नीचे।
ठीक है, कुछ इस तरह से ये एक को मैंने लगाया और एक दूसरा पीस लेते हैं, इसको कट करते हैं। बस इस तरफ से करना है दोस्तों कि ये शॉर्ट ना हो आपस में, बस ऐसा इनको कर देना है। जैसा ये दो अब इस समय सटने वाले नहीं हैं तो इनको मैं पैक करता हूँ। थोड़ा दूरी बना दी है मैंने उनकी। अब इसके ऊपर से इसको करते हैं इस तरह से। अब ये तीन हो गया, थोड़ा दूरी बन गया और इनको सोल्ड करते हैं। ठीक है, वायर थोड़ा छोटा पड़ जाएगा तो एक दूसरी वायर की हेल्प लेंगे, हम जोड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्डिंग चढ़ाते हैं अपनी। फिर देखेंगे अपना ये मिशन सक्सेस होता है या फेल हो जाता है। तो इस पे पॉलिश है दोस्तों, इसलिए हट नहीं पा रहा था, इसलिए मैं इसको स्क्रैच कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा वायर होता है इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक पे हमने कर दिया, दूसरा करते हैं। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा वायर, ये ठीक ठाक है, दूरी इसकी काफ़ी है तो हम इस पे स्लिप ही लगा देते हैं। वायर वाली स्लिप देख सकते हैं, पूरी लगा दी। यहाँ पर इसको सोल्ड करते हैं, दोनों को एक साथ ऐड दिया। ऐडने के बाद इसको अब हम सोल्ड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैंने किया और इसके बाद अब ये लास्ट है एक और, तो वायर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ये और काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना ये टेपिंग और साथ में सभी वायर जोड़ लिया है। थोड़ा सा कस्टमर आ गए इसलिए वीडियो को हमने रोक दिया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने किया था उसी कंडीशन में, बस टेपिंग वगैरह लगा दी है। और चलिए अब इसको लगा के देखते हैं कि अपना मिशन सक्सेस होता है या फिर वही हाल है। तो फटाफट हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, योक का वायर यहाँ पे लगाते हैं, निकालने पे ये थोड़ा टूट गया था निकालने में, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल है ये भी। बस इसका प्लास्टिक टूटा है, जैक तो सब वही है। तो हम अभी इसका रिंग नहीं लगाते हैं, चेक कर लेते हैं पहले ऑन होती है कि वही हाल रहती है इसकी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सीरीज में ही लगाते हैं पावर को। ये देखिए, सीरीज में लगाया, सीरीज पर हल्का सा जला और देखते हैं अब भी वही हाल है। नहीं दोस्तों, हल्का हल्का बिल्कुल जल रहा है, देख सकते हैं आप। आगे डिस्प्ले भी इसका मतलब आ चुका होगा और अपनी सप्लाई जो 80 वोल्ट की बन रही थी वो भी पूरी बन चुकी होगी, ये देख सकते हैं। मैंने वीडियो का लीड लगाया है, यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, देख सकते हैं टीवी सही हो चुकी है अपनी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो अपना प्रॉब्लम दोस्तों सही हो चुका है, आपने करीब अपना मान के चलिए 500-600 रुपये बचा लिए हैं आराम से।
और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अपने यहाँ ये जो काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो इस रिंग को लगाते हैं। यहाँ पे निशान जो हमने लगाया था उस निशान को देखकर बस इसको इसी तरह टाइट कर देंगे। ठीक है, और ये जो कॉइल थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत हो सकता है, बस आपको आगे डिस्प्ले पर देखना पड़ेगा कि ऊपर की पट्टी बराबर है कि नहीं। जो डिस्प्ले वाली पट्टी आती है अब मैं आपको बताता हूँ चालू करके, फिर थोड़ा सा योक में ढीला कर लूँ तब ना घूमेगा क्योंकि मैं टाइट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको ढीला किया, ढीला करने के बाद अब इसको मैं डायरेक्ट लगाता हूँ पावर में। ये देखिए, ठीक है, लाइट क्यों नहीं आई यार। आ चुकी है लाइट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कमी है इसमें। अभी अगर देखेंगे आप इसमें ऊपर बिल्कुल, तो यहाँ पर ये हल्का सा इस तरफ दबा हुआ है, इस तरफ उठा हुआ है। ये कोने पे देखेंगे तो ये जो है अपना ये जो कॉइल की वजह से होता है, ये जब थोड़ा सा मतलब समझिए इसको इस तरह घूम जाएगा या उस तरफ घूम जाएगा तब देखिए किस तरह से होगी पिक्चर। में घुमाऊँगा तो देखिए टेढ़ा हो गया है, इसको घुमाएंगे योक को तो इस तरह से ये होगा। तो इसको सेट करके बिल्कुल बीच में आपको देख के सेट करना होगा, तो मैं इसको देख के सेट कर लेता हूँ, आप भी देखते रहिए किस तरह से मैं देखता हूँ। ठीक है, ये है असली खुशी, यूं ही स्माइल मत करो, बराबर है भी अपना, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। सही है, अब जैसे ही मैं इसका स्क्रू ड्राइवर पीछे लगाऊं तो कलर चेंज हो जाएगा इसका आगे डिस्प्ले, आप देख रहे होंगे। तो जैसे ही इसको हटाऊंगा फिर कलर क्वालिटी पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, ये टाइट हो चुका है, कलर क्वालिटी भी सही हो चुकी है जैसी थी, और ये पट्टी जो थी अपनी बराबर है दोनों तरफ, देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जो है कि ज़रूर कर लें। और ये अपना आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ने का रीज़न नहीं था क्योंकि ये कॉइल इसकी ख़राब हो गई थी, तो हमको और कुछ अब खोजने की ज़रूरत इसमें नहीं है कि किस रीज़न से ये आउटपुट ट्रांजिस्टर अपना ख़राब हुआ था। अब इसको हम पैक कर देंगे। ठीक है, ओरिजिनल योक कॉइल है, काफ़ी अच्छा चल जाएगा अगर सही से आपने इसको जोड़ा होगा। तो मैंने तो काफ़ी मेहनत करके सोल्डिंग वगैरह से जोड़ा है। ठीक है, तो इसको पैक कर लेते हैं, और दोस्तों हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आपसे ही कहूँगा बस, धन्यवाद।